Bank. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और आज इनका सेट चेंज लग रहा है, कुछ लाइट का मसले लग रहे हैं, टेक्निकल हो गए हैं ज्यादा, तो ऑब्वियसली मसाइल तो चलते रहते हैं। राशिद भाई, आज दो प्लेयर्स जो थे ना मेन माजी के, उनकी बर्थडे, एक तो है जी न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हेडली, ने 431 आउट किए, द फर्स्ट एवर प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू गेट टू द 400 विकेट्स मार्क इन टेस्ट मैचेस। सो रिचर्ड हेडली ऑब्वियसली एक नायाब इंसान, और बहुत कम लोगों को पता था कि उन्हें दिल का आर्जा था, और पूरा करियर जब उनका खत्म हो गया और नाइटहुड हो गया, तो उसके बाद उन्होंने सर्जरी करवाई, और उनकी जो शरीर के सफर है वो भी न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, और एक बहुत बड़े मेमोरेबिलिया कलेक्टर भी हैं। तो 952 तो आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका याद होगा, जब भगा दिया था टॉप ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो अ फ्यू वर्ड्स ऑन रिचर्ड हेडली पहले। रोशनी दिखा रहे हैं चिराग को। या ग्रेटेस्ट बॉलर ऑल टाइम ग्रेट, और कंपटीशन अच्छा था जमाने में, बॉलर अच्छे थे, रिचर्ड हेडली, डेनिस लिली, इयान बोथम, कपिल देव, इमरान खान, और भी बहुत बेताशा बॉलर थे, लेकिन रिचर्ड हेडली एज ए बॉलर तो उनकी अपनी एक क्लास थी, एक ही जगह था, जगह पे वो बॉल किया करते थे, और दोनों तरफ मूवमेंट अच्छी थी, और स्विंग, सीम, बाउंसर, पेस, तो एक बॉलर में जो क्वालिटीज होती हैं उनका रिकॉर्ड उनका बताता है। 421 विकेटें कितनी है इनकी, 27 या ऐसे कुछ आउट किए थे, और 15 आउट किए थे एक टेस्ट मैच में ना, बिल्कुल याद है आपको। नहीं, आज ही देखा मैंने, किसी ने पोस्ट की हुई थी, वो भी देखा मैंने, लेकिन ये टेस्ट मैच मुझे फॉलो करते थे उस जमाने में रेडियो पे या कहीं ना कहीं पे, तो ये बड़ा फेमस सीरीज थी बहुत ज्यादा, जिसमें रिचर्ड हेडली ने कमाल की बॉलिंग की थी। अच्छा राशिद, बेसिकली आपने कहा दोनों तरफ स्विंग करते थे, और यस करते थे, लेकिन ये बेसिकली आउटस्विंग बॉलर, एक मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, दूसरा आप बेहतर बता पाएंगे कि ये कोई इतना लंबा रन अप नहीं था, तो ये क्या शोल्डर से करते थे, कैसे करते थे, क्योंकि पेस ऑफ द पिच थी, रिलीज भी तेज थी, कंट्रोल भी बड़ा था, तो ये क्या था, एक्शन बड़ा उनका कोई कैसा था, कि वो ऐसे नहीं कि जो जनरल फास्ट बॉलर करना पीछे से भाग के आ रहे हैं और जोर लग रहा है, तो वो क्या वजह थी, बैलेंस था क्या था, उनको कंडीशन भी अच्छी मिला करती थी, ऐसा नहीं है कि वो एशिया में बहुत खेले हुए हो, हालांकि दिल्ली टेस्ट में या बॉम्बे में भी 10 आउट किए थे, काफी अरसे बाद वो खेले थे, वहां पे भी वो 10 आउट किए थे उन्होंने, लेकिन अगर 75 में देखें पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ जावेद भाई का डेब्यू था, शायद वो भी उसी जमाने ही में आए थे, तो लेकिन उनका एक्शन अलाउ करता था, जैसे मोहम्मद आसिफ थे हमारे यहाँ, या मैग्रा थे, इनकी सीम पोजिशन अगर देखें तो वो ज्यादा बेहतर होती है। ले जी राशिद भाई, बहुत सारे पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में भाई जो है इकट्ठे टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, जिनमें ऑब्वियसली वजीर मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद टेस्ट क्रिकेट खेले, रईस मोहम्मद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, कुछ 14 गुण की फैमिली में से फर्स्ट क्लास खेल गए, शुएब मोहम्मद आगे हनीफ के बेटे टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, फिर हमने परवेज सज्जाद, वकार हसन को देखा, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्वियसली अलाही ब्रदर्स तीनों ये क्रिकेट खेले, फिर ये आपका शाहीन शाह अफरीदी और रियाज अफरीदी टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तो वसीम हसन राजा एंड रमीज राजा, एक तो कुदरत के आप देखें जैसे नेचर होती है कि दोनों 57 टेस्ट ईच खेले, ठीक है, तो वसीम राजा को फॉलो किया, जिसने आपने भी किया होगा, हमने भी किया, आज मैं आपसे पूछूंगा, उस वक्त समझ नहीं आती थी, हम समझते थे बड़े एरेटिक से प्लेयर हैं, निकल के मार देते हैं, लेकिन शायद वो 20 साल पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे जो क्रिकेट की शेप बनी, और 4 टेस्ट मैच सेंचुरियां भी हैं, वेस्ट इंडीज का आपको टूर याद है उनका 76-77, रॉबर्ट्स, क्रॉफ्ट, होल्डिंग, गार्नर, और उनके अगेंस्ट 117, फिर एक और 100 किया उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कराची में,
ऑब्वियसली चार टेस्ट मैच सेंचुरीज थी, लेकिन 17 फर्स्ट क्लास हंड्रेड, कोई उनके 11,500 फर्स्ट क्लास रन। लेकिन आप हैरान होंगे आज एक अगर उनका मैं फिगर बताऊं आपको कि एज ए राइट आर्म लेग ब्रेक बोलर 250 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 565 आउट किए हुए विद राइट आर्म लेग ब्रेक एंड गूगली बोलिंग, 565 विकेट्स, जिसमें 7 उनके दसे, 34 उनके पंजे। तो टेस्ट क्रिकेट में शायद उनको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन क्या यूटिलिटी, क्या फ्लेयर, क्या फ्लेबोयंस, एक दलेर आदमी। जरा योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिफरेंट इंसान थे वो, सिर्फ क्रिकेटर एक तो बहुत क्लास के थे, अच्छे क्वालिटी क्रिकेटर्स थे, लेकिन जिस एरा में वो खेले उसमें शायद भारी वर्ड है मुनाफकत करनी चाहिए थी इनको, तो खेलते लंबा उसमें ये फिट इन नहीं होते थे, क्योंकि जो स्टाइल इनका खेलने का था वही बोलने का भी होगा। मैं देखा नहीं, उनकी मुलाकात जरूर है मेरी, वो डिफरेंट होगा। तो क्योंकि वो अटैकिंग प्लेयर थे, अटैकिंग प्लेयर उस जमाने में बहुत कम थे, सब टेस्ट क्रिकेट वाले बैट्समैन ज्यादा थे। तो इन्होंने 57 टेस्ट मैचेस खेले हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम टेस्ट मैचेस है जिस तरह के वो प्लेयर थे। और जो नंबर इनका था, 5-6 नंबर इनका होगा, और उसमें कभी 7 नंबर भी जाते होंगे। लेकिन जो तस्करा किया आपने बॉलिंग का किया, तो मुश्ताक मोहम्मद साहब ने अपनी बॉलिंग छोड़ी इंतखाब आलम की वजह से, जावेद मियांदार साहब ने अपनी बॉलिंग छोड़ी मुश्ताक मोहम्मद और इंतखाब आलम की वजह से, इन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की इतनी, ये सोचने की बात है ना। तो क्या है कि ये क्वालिटी बॉलर, क्वालिटी बैट्समैन, और लेकिन जो जिस तरह से अगर टाइम देखेंगे, पहले डेब्यू कब हुआ और आखिरी टेस्ट कब खेला, तो उसमें टेस्ट मैचेस कम बनते हैं इनके, कम खेले। और आपको भी पता है जहां पे पाकिस्तान टीम मुश्किलात में होती थी वहीं परफॉर्म करते थे ये, और इसीलिए पब्लिक प्लेयर ज्यादा थे। पब्लिक मतलब के लाइक सईद अनवर जैसे पब्लिक प्लेयर या दूसरे पब्लिक प्लेयर होते हैं, तो ये भी वसीम राजा आज भी, हम भी पब्लिक थे ना उस जमाने, पब्लिक ही थे दिखने वाले शौकीन, तो हमें इनका गेम पसंद था, क्योंकि वो जब खेलते थे तो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, अपने लिए नहीं खेलते थे। तो इसीलिए आज भी अगर देखा जाए, तमाम लोग अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल, एज ए प्लेयर अगर देखा जाए तो बॉलिंग का जो आप बता रहे हैं, 500 विकेट बहुत होते हैं यार, बहुत ज्यादा विकेट है इनकी, 500। राशिद भाई, एक तो मेरी काफी सारी मुलाकात रही इनके साथ, 1972 से इन्होंने अपना डेब्यू किया और 1984-85 में ये मतलब इनके साथ ज्यादती बहुत हुई जब इनको बाहर कर दिया जाता था, और फिर ये ऑब्वियसली मूडी थे। एक तो राशिद भाई, जिसने भी आपने एक लफ्ज बोला ना मुनाफकत, वो दूर दूर तक इनको छू के नहीं गुजरी थी। डबल मास्टर्स किया हुआ था, HSM में पढ़ाया भी इन्होंने, सेंट्रल मॉडल स्कूल के थे। इनके बारे में इमरान खान ने कहा कि जी वो अंडर 19 लेवल पे वसीम राजा वॉज प्लेइंग मच बियॉन्ड हिज ईयर्स। ये पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट, पर ये पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेले, पंजाब यूनिवर्सिटी से खेले, गवर्नमेंट कॉलेज से खेले, और इनके लिए लोग देखने जाते थे, इवन नेशनल बैंक का मैच इसलिए देखने जाते थे कि वसीम हसन राजा खेल रहे हैं। और एक टाइम ये आ गया था राशिद भाई कि वो आपको नईम ताज सही बताएगा कि ये कहते थे छोड़ यार आज बारी क्या लेनी है, आज जाके जरा रिगल के समोसे खा के आते हैं, तो गेंद वेल लेफ्ट भी कर देते थे। सो आपने वो देखा होगा जब इनका मुजीबुर रहमान के साथ मसला हुआ, जब ये हेड कोच थे, जहाज में तब्दील कर दिए गए थे जब सहारा कप के लिए टीम जा रही थी, और फिर ये मैच रेफरी भी रहे एक्सीलेंस। बदकिस्मती से 2006 में इनका इंतकाल हो गया, 54-55 साल के थे, क्रिकेट खेलते इंतकाल हुआ। ये डरम से काउंटी भी खेले, तो आई थिंक कोई मैच नहीं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि थोरो जेंटलमैन, और मजे की बात है इनकी हयाती भी इनको इसी मकाम पे रखा जाता था जो आज हम इनकी वफात के बाद तस्करा कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग। और मैं थोड़ा सा बदतमीज होकर ये कहूंगा कि रमीज भाई को 3 जनरेशन लगेंगी वसीम राजा के तक पहुंचने के, जो उनका कैलिबर, जो उनकी स्किल, जो नेचुरल फ्लेयर, दिलेरी, जिसना के वो आउटराइटली बोलते थे। तो ये है, और इनके साथ ज्यादती हुई भी, आपने बड़ा पॉइंट निकाला कि यार इनको बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई, और भाई बॉलिंग कराते तो टीम से बाहर ना होते, फिर क्या करते आप जी। राशिद भाई, हर टाइम पे ऐसा हुआ है, तो
लेकिन बहुत लकी भी है, एक तरह से देखा जाए तो लकी भी है, इनकी वजह से बहुत फर्क पड़ा होगा टीम के अंदर। बहुत सारे जो शायद प्लेयर होते थे, यंग प्लेयर होते होंगे, इनके इनकी तरफ होते होंगे और उनको बड़ा फायदा हुआ होगा, बड़ा बूस्टअप मिला होगा। ये जब टीम के अंदर ऐसा बंदा कैरेक्टर होता है ना, तो जो नए आने वाले लड़के होते हैं तो वो इस छाव में चले जाते हैं और बहुत सीखते हैं, और बहुत सीखा होगा प्लेयर ने। और जाते जाते एक और बात राशिद के, जब जिस वक्त रिवोल्ट हुआ था जावेद मियांदाद के अगेंस्ट और ये खेलने आ गए थे ना अंडर जावेद मियांदाद, ये सुपरस्टार्स के साथ खड़े नहीं हुए थे, तो ये वापस आ गए थे जिससे काफी कबाहत हुई। लेकिन ये 1982 टूर टू इंग्लैंड, टू सिलेक्टर्स वर रिकमेंडिंग के वसीम राजा को कप्तान बनाया जाए, वो फिर आरिफ अब्बासी और मरहूम मैरी मैक्स मकसूद अहमद ने इमरान खान का नाम दिया, एंड ऑब्वियसली इमरान बिकेम सक्सेस सिंबल। तो उसके बाद वसीम राजा को शायद दिक्कत होती रही टीम में जगह बनाने की भी, तो ये है। बाकी इनकी अगर आपको जलंधर की इनिंग्स याद हो, वही जो आपने कहा जहाँ पाकिस्तान फंसता था वहां पे, अब ये स्पिनर्स के अगेंस्ट भी बला खेलते थे जो इनका फुटवर्क था, तो अल्लाह ने जवार रहमत में जगह तो उनके लिए माफ़ की दुआ करते हैं। और एक बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, और ऐसे प्लेयर रोज रोज पैदा नहीं हुआ करते। थैंक यू। गॉड बेहाइंड।